तो गाइस पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन में हमने देखा था कि शेना बेजलर का एक प्रोमो दिखाया जा रहा था। उस प्रोमो में खास ये था कि हमने उस प्रोमो में एक ऐसे सुपरस्टार को देखा था जो कि अब WWE में काम नहीं करता है। गाइस वे एक वुमन सुपरस्टार है। तो गाइस मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको उस वुमन स्टार का नाम बता देता हूँ, सुपरस्टार का नाम बता देता हूँ। गाइस वे वुमन सुपरस्टार है नाया जैक्स। जी हाँ गाइस, आपने भी एक बार को ध्यान दिया होगा। तो गाइस जब शेना जा रहा था तो गाइस उस प्रोमो में हमें नाया जैक्स की झलक भी दिखाई दी थी। गाइस वैसे एक वुमन सुपरस्टार और थी, उनका नाम था ईवा मरी। गाइस मुझे पता है कि आप में से अधिकतर सभी को नाया जैक्स के रिलीज से काफ़ी दिक्कत आई थी, सभी मतलब अपसेट हुए थे नाया जैक्स के रिलीज से। लेकिन गाइस WWE के मेन रोस्टर के शो स्मैकडाउन में नाया जैक्स को वो जो रिलीज सुपरस्टार हो गया है उसको दिखाना बहुत बड़ी बात है। गाइस WWE ने ये टीज तो कर ही दिया है कि गाइस नाया जैक्स का रिटर्न अब काफ़ी जल्दी होने वाला है, हमें उसको ज़्यादा देर तक सबर नहीं रखना पड़ेगा। बाकी गाइस हम बात कर लेते हैं क्लैश एट द कैसल के बारे में। गाइस क्लैश एट द कैसल में एक मैच होने जा रहा है, 6 वुमेन टैग टीम मैच, जिसमें कि अलेक्सा ब्लिस, आस्का और बियांका बेलेयर एक तरफ होंगे, बेली, ईयो स्काई एंड डकोटा काई एक टीम होंगे। गाइस इस मैच में आपको एक बहुत अच्छा सा चेंज देखने को मिल सकता है, जिसे सुनकर शायद आप थोड़े बहुत खुश हो सकते हो और काफ़ी अपसेट भी हो सकते हो। गाइस अभी के WWE लाइव इवेंट में सैटरडे में एक लाइव इवेंट हुआ था गाइस, उसमें ये क्लैश एट द कैसल वाला 6 वुमेन टैग टीम मैच को करा दिया गया था एक लाइव इवेंट में। और गाइस मज़े की बात तो ये है कि गाइस जो मैच तुम क्लैश एट द कैसल में एडवर्टाइज कर रहे हो उस मैच को एक लाइव इवेंट में करा देना क्या सही रहेगा। गाइस इससे तो यही पता चलता है कि गाइस इस मैच में कुछ ना कुछ तो चेंज होने को है। गाइस तो कहानी ये हो सकती है कि गाइस कल के मंडे नाइट रो में इन 6 वुमेंस के बीच एक वुमन इंजर्ड होगी, वो भी गाइस मेरे ख्याल से तो अलेक्सा ब्लिस और आस्का में से कोई एक इंजर्ड हो जाएगा और गाइस उसको रिप्लेस करेंगे क्लैश एट द कैसल में एक सरप्राइज रिटर्न के रूप में। और गाइस ये सरप्राइज रिटर्न होगा मेरे ख्याल से तो बेकी लिंच का। गाइस आपको पता होगा कि बेली और ईयो स्काई डकोटा काई ने एक बार जब बेली अपना बैक स्टेज में जा रही थी तो गाइस इन तीनों ने बेकी लिंच पर अटैक कर दिया था। गाइस उस अटैक का बदला लेने के लिए बेकी लिंच अपना रिटर्न करेंगी और ज्वाइन करेंगी बियांका बेलेयर और आस्का को। गाइस मुझे लगता है कि अलेक्सा ब्लिस इस मैच में किसी तरह इंजर्ड हो जाएंगी और गाइस उनको रिप्लेस करेंगी बेकी लिंच। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।